हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आई विल बी डूइंग ट्रैवलिंग ब्लॉग्स. सो टुडे ऑन January 2nd, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. इट इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट ब्लॉग और हम लोग निकलने वाले हैं मनगढ़ के लिए, जो कि हमारे शहर प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दूरी पे है. और अभी बजे हैं सुबह के 8:40 और चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है मनगढ़. तो हम लोग मनगढ़ जाते समय रास्ते में रुके हैं चाय के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है ठंड से बचने के लिए. तो 2.5 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भक्ति मंदिर, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है. और चलिए हम लोग चलते हैं अंदर. और अभी हम लोग जस्ट अभी गेट नंबर 1 से अंदर आए हैं और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ है, बीच में रोड है. और हम लोग अंदर जा रहे हैं, बाकी अंदर का व्यू मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ. अभी यहाँ पे गेट नंबर 1 से एंट्री की है. एंट्रेंस में यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाने की. और मैं मंदिर प्रांगण में पहुँच चुका हूँ. श्री जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था. और ये मंदिर, ओह माय गॉड, हमारे सामने वो भक्तिवन दिख रहा है. अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है. बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए. मंदिर में एंट्री करने से पहले हम लोग अपने अपने शू उतार देते हैं. यहाँ पे शू स्टैंड अवेलेबल है और जो कि बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता. आप लोग आएँ और यहाँ पर उतार सकते हैं. हम लोग पहुँच चुके हैं भक्ति भवन और मेरे पीछे है इस टाइम भक्ति मंदिर. और भक्ति मंदिर के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि भक्ति मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर था जो कि ग्रेनाइट पिलर से बना था. आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रेनाइट पिलर्स के ऊपर ये पूरा मंदिर बना हुआ है. और 1996 में बनना शुरू हुआ था और 2005 में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ. और जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने इन्हें अहमदाबाद के आर्किटेक्चर से बनवाया था और आप उसकी खूबसूरती स्वयं देख सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया था संडे है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जैसा आप देख सकते हैं. आइए मेरे साथ चलते हैं आप. इस समय भक्ति मंदिर के आगे और मैं बस अभी अभी मंदिर से बाहर निकला हूँ. और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कैमरा अंदर अलाउड नहीं था इसलिए हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंदर जाने पर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं उसे यहाँ पे आपके सामने बता नहीं सकता। बस आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आसपास से भी लोग आते हैं, दूर दूर से भी बहुत लोग आते हैं, और अंदर का नज़ारा इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा आप लोग ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर कुछ खा सकते हैं। और अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन चल के देखते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या उनके प्राइसेस हैं, मैं आपको ये सब कुछ दिखाता हूँ। ये हम पहुँच गए कैंटीन में, और आप देख सकते हैं कैंटीन के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप आराम से अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कुछ खा सकते हैं। खाना लेने के लिए पहले आपको कैंटीन के काउंटर पे, कैश काउंटर पे आपको बिलिंग करानी है, जो है। और बिलिंग कराने के बाद आपको अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो कि सामने लिखा हुआ है। कैंटीन के सामने बगल में छोटी छोटी शॉप भी हैं, यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अब हम लोग चलने वाले हैं गुरुधाम भक्ति मंदिर में, आइए मेरे साथ चलते हैं। भक्ति मंदिर घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं गुरुधाम मंदिर, लेकिन ये अभी बंद है, दर्शकों के लिए बंद है, श्रद्धालुओं के लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं इसका नज़ारा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। स्टिल अभी टाइम हो रहा है 4:08, और हम शाम होने का वेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लाइट्स ऑन हो, और हम आपको शाम ऑलरेडी हो चुकी है, हम लोग 5:15 का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5:15 पे लाइट्स ऑन होंगी, तो वो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो बस थोड़ा सा वेट और करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको व्यू। एग्जैक्टली, तो फाइनली गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है, और हम लोग काफ़ी देर से सिर्फ शाम होने का वेट कर रहे थे क्योंकि भक्ति मंदिर में शाम के समय लाइटनिंग होती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको बस ये ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ, और जैसे जैसे यहाँ पे रात होगी वैसे वैसे यहाँ पे लाइट्स और भी ब्राइट होंगी और अच्छा लगेगा। ये और भी खूबसूरत होता जाएगा। तो गाइज ये था हमारा भक्ति मंदिर का सफ़र, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। सो एंजॉय, थैंक यू सो मच।